सुबह का अभी 6:18 बज रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं। तो आज मैं वापस आ गया हूं और एक टाटा नैनो वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन में टाटा नैनो का मेंटेनेंस आप कैसे कर सकते हैं, घर बैठे कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। मेंटेनेंस का मतलब यह है कि क्या क्या चेक्स आपको करना है, क्या क्या देखना है, कौन कौन सा चीज के ऊपर आपको ख्याल रखना पड़ेगा जब आपका कार बहुत दिनों से बंद पड़ा हो, और बीच बीच में आपको क्या चीजें करना पड़ेगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। चलिए तो पहले गाड़ी को ऑन करना है, जो हम लोग का रिवाज है। गाड़ी को पहले ऑन करना है। सुबह का अभी 6:18 बज रहा है, ठीक है। तो पहले गाड़ी का कॉल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चेक कर लीजिए कि आपका गियर्स न्यूट्रल में है कि नहीं। अगर आपका हैंड ब्रेक एंगेज्ड है तो उसको आप रिलीज कर दीजिए और गाड़ी को कॉल स्टार्ट कीजिए। 3 वीक से गाड़ी बंद पड़ा हुआ है, तो एक ही स्टार्ट में गाड़ी ऑन हो गया। तो अभी देखिए, टाटा नैनो में आपका आरपीएम मीटर नहीं रहता है, सिर्फ आपका स्पीडोमीटर रहता है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भी है, फ्यूल गॉज, हीटर गॉज, ये सारे रहता है। तो आपको कैसा पता चलेगा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको कुछ नहीं, स्टीयरिंग हैंडल के ऊपर हाथ रखना है। जब तक स्टीयरिंग हैंडल वाइब्रेशन बंद नहीं होता है तब तक आपको गाड़ी को ऑन रखना है, कोल्ड स्टार्ट करना है। या आप गियर नॉब में भी हाथ रख के फील कर सकते हैं, या गाड़ी का आवाज सुन के भी आप फील कर सकते हैं, ठीक है। आज मौसम थोड़ा क्लियर है, वेस्ट बंगाल में बरसात का मौसम चल रहा है, वेदर थोड़ा क्लियर है। शायद आज सूर्य देवता का दर्शन मिले, कल रात भी बारिश हुआ है, तो यही है। तो गाड़ी को अभी 5-10 मिनट ऐसे ऑन करके रखना है, और इसी दौरान हम लोग को चेक कर लेना है कि गाड़ी का टायर्स का क्या हाल है, फ्लैट है कि नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए, ये टायर ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टायर में, पैर लगा के आप चेक कर सकते हैं। ये वाला टायर का भी हालत सही है, तो टायर का हालत सही है, टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दूसरा चीज जो हम लोग को चेक करना है कि आपका कूलेंट लेवल कैसा है, वो चेक करना है। और एक चीज जो आपको चेक करना है गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले, वो है आपका इंजन ऑयल का लेवल। और बस यही है, और उसके बाद आपको 5-10 मिनट गाड़ी को चलाना है, चला के आपको फील करना है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं। वो आप जैसे गाड़ी चलाओगे तो उससे आपको फीलिंग आ जाएगा। आपको अगर आप अपार्टमेंट एरिया में रहते हैं, बाहर जाने का सुविधा नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन, तो आप अपार्टमेंट के अंदर ही 2-3 चक्कर लगा दीजिए गाड़ी का। तो इससे क्या होगा,
टायर का ऊपर जो दबाव, देखिए दो तीन वीक से अगर गाड़ी खड़ा है तो टायर का एक पर्टिकुलर सेक्शन में दबाव होगा, टायर का निचले वाला हिस्सा है वो फ्लैट हो जाने का संभावना है या वहां पे क्रैक्स आने का संभावना हो सकता है। अगर आपका टायर पुराना है तो आप दो तीन चक्कर लगाने से क्या होगा, टायर में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो चलिए अभी जैसे गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट खत्म हो जाता है तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि आप इंजन ऑयल का लेवल कैसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद कूलेंट का लेवल हम चेक करके दिखा देंगे। बस यही है छोटे मोटे कुछ चीजें जो आपको चेक करना है। और एक चीज है कि गाड़ी में बैठने के साथ तुरंत ही आप शीशे खोल दीजिए, उससे क्या होगा गाड़ी के अंदर जो मॉइस्ट रहता है या गाड़ी के अंदर जो कन्फाइंड एयर है उसको बाहर निकल जाए और फ्रेश एयर अंदर आ जाए, तो ये भी आपको करना है। चलिए गाड़ी अभी नॉर्मल हो गया है, स्टीयरिंग हैंडल में कोई वाइब्रेशन नहीं है, गियर नॉब में कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी नॉर्मल हो चुका है। अभी इसको बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक किया जाता है। तो जब भी आप टाटा नैनो का पीछे वाला हिस्सा डिकी आप बंद करते हैं तो ये स्क्रूज या नट बोल्ट ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, बस हल्का सा टाइट कर दीजिएगा, इससे काम चल जाएगा। चलिए ये वाला काम तो हो गया। और बीच बीच में क्या कीजिए, ये WD-40 जो लोशन होता है या कुछ भी लुब्रिकेंट आप यहाँ पे या ग्रीस थोड़ा बहुत दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका इसका फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगा। जैसे मैंने ये ऑयल लगाया था यहाँ पे, लुब्रिकेंट लगाया था, जिससे क्या होता है खोलने में या बंद करने में, इसको टाइट करने में या लूज करने में आपको सुविधा होगा। तो भाई डिपस्टिक यहाँ पे है, इसको पहले निकालना है, ये कपड़े से पहले पोंछ लेता है, पोंछ लेना है रबर, फिर से अंदर घुसाना है। अभी निकालना है, देखिए लेवल, देखिए यहाँ पे है लेवल और इसका क्वालिटी भी अच्छा ही है, सही है और ऑयल में स्टिकीनेस भी है, तो ऑयल का क्वालिटी सही है और ऑयल का लेवल भी सही है। ऑयल का लेवल आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम मार्क, दिस इज़ द मैक्सिमम मार्क, दिस इज़ द मिडिल मार्क, ठीक है। तो इंजन ऑयल सही है, इसको साफ करके घुसाते हैं जल्दी। ओके, कूलेंट का लेवल आपका यहाँ पे होना चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम लेवल, मेरा जो लेवल है ये यहाँ पे है तो ठीक ठाक ही है, थोड़ा टॉप अप कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग थोड़ा टॉप अप कर देंगे इसको। मैं हमेशा प्रीमिक्स कूलेंट रखता हूँ अपने गाड़ी के अंदर, तो इसमें आपका 50% कूलेंट और 50% वाटर है, तो ये मुझे सर्विस सेंटर से ही मिला था, तो इसको डालते हैं। चलिए डाल देते हैं, तो कूलेंट डाल दिए हैं, अभी लेवल देखिए कूलेंट का, बस इतना दूर तक नहीं रहना चाहिए, इतना दूर तक ही सही है, इससे ज़्यादा नहीं रहना है, इतना दूर तक ही सही है, ठीक है, इतना दूर तक ही सही है। चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं, ये वाला टूट गया है मेरा, ये हीट होता है ना यहाँ पे, हीट होने से इन लोग का टूट गया है, ठीक है। इंजन का थोड़ा बहुत चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है कि नहीं,
ये आपका रैट्स वगैरह कुछ तार वार काटा है तो नहीं, ये आप थोड़ा चेक कर लीजिए, चूहे कुछ काटा है कि नहीं वो भी आप चेक कर लीजिए, सब सही है कि नहीं तार का हालत, ये वाला तार का हालत सही है, ठीक ही है। ये गाड़ी जैसे जैसे पुराना होगा ना, ये तार वगैरह इसका आपका इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होते रहेगा, तो ये आपको चेक करना है कोई तार फटा तो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा चेक कर, ये थोड़ा चेक कर लेना है आप लोगों को, वैसे तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको रख देते हैं जगह पे, दिस इज द प्लेस वेयर आई कीप माय कूलेंट। अभी खोलते हैं सामने वाला बोनेट, तो भाई दिस इज द ब्रेक ऑयल, तो इसका लेवल सही है, इनफैक्ट फुल है, तो ब्रेक ऑयल इज एडिक्वेट। यहाँ पे भी थोड़ा चेक कर लीजिए वायर्स का हालत कैसा है, वायर्स वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं वो भी आप चेक कर लीजिए, अगर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम है भाई। अंदर घुस के देखते हैं, ऐसे करके देखिए सब कुछ सही है कि नहीं। तो अभी काम है ये है कि गाड़ी को थोड़ा चलाना है, अभी गाड़ी आप जैसे चलाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी का टायर का क्या कंडीशन है, हवा डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा, वो आइडिया आपको आ जाएगा। थोड़ा घूम के आते हैं, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, छोटा सा स्पिन हो या बड़ा सा स्पिन हो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, ठीक है। चलिए शीशे को थोड़ा उठा लेते हैं, तो बातें करने में सुविधा होगा। चलिए भाई, अभी आगे देखते हैं। नैनो का ये मुझे अच्छा लगता है, टर्निंग रेडियस इसका बहुत ही कम है, ये मुझे सबसे अच्छा चीज लगता है। टायर का तो जो लग रहा है कि थोड़ा एयर प्रेशर कम हुआ है, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि आमतौर पे दुकानें खुला नहीं रहता है, स्पेसिफिकली आपके सर्विसिंग की दुकान है या टायर का दुकान, तो अगर बंद है तो आप अपने लिए एक एयर गॉज और एयर पंप रखा कीजिए, इससे क्या होगा कि
on an emergency situation, you can inflate your tires. Okay, चलिए यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा बहुत. तो भाई आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो मोटा मोटा हम लोग का जो बेसिक चीज़ें जो देखना चाहिए गाड़ी अगर बहुत दिनों से बंद पड़ा रहता है तो वो हम लोगों ने देख लिए. ये बेसिक मेंटेनेंस के अंडर आता है. तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा. चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए. आप मुझे दूसरे सोशल मीडियाज़ में भी फॉलो कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर. तीनों का लिंक मैं इधर दे दूँगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं और एक वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. टाटा.